अगर आप पटना के जगदेव पथ, राजा बाजार, रामनगरी, आसियाना नगर, आरा गार्डन, रूपसपुर, खाजपुरा आसपास के इलाकों में रहते हैं तथा आपने जगदेव पथ के पास पिछले 15 दिनों में सब्जी खरीदी है तो सचेत हो जाइए, क्योंकि जगदेव पथ के पास सब्जी बेचने वाले में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कई लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। शासन प्रशासन सब्जी वाले का कनेक्शन तलाश कर रही है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है तथा बताया जाता है कि 15 दिनों के अंदर में जितने लोगों ने ठेले वाले से सब्जी खरीदी है बहुत सारे लोगों का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद पटना में ठेले और रेहड़ी वाले से फल और सब्जी खरीदने से भी लोग डर रहे हैं तथा जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि गली मोहल्ले में फल और सब्जी बेच रहे लोगों का स्वास्थ्य जांच के बाद ही सब्जी और फल बेचने की अनुमति दी जाए। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पॉजिटिव मरीज की चौथी सूची जारी की है। चौथी सूची में पटना के 5 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस तरह से आज कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 326 पर पहुंच गई है। पटना के नौबतपुर में 2 साल का बच्चा मिला कोरोना पॉजिटिव। वहीं पटना के 4 स्थानों पर से 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पटनावासियों के लिए राहत भरी खबर, डाक बंगला चौराहा बैंक ऑफ बड़ौदा के 45 कर्मियों का कोरोना टेस्ट निकला निगेटिव। पटना के डाक बंगला चौराहा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के 45 कर्मियों का सैंपल टेस्ट निगेटिव पाया गया है। एक बैंक कर्मी का रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी कर्मियों का कोरोना टेस्ट कराया गया था। कोटा में फंसे छात्रों की वापसी का मामला, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कल तक मांगा जवाब। राज्य सरकार ने जवाब के बाद अब केंद्र से सवाल, कोटा में फंसे छात्रों को कैसे वापस लाए सरकार। जवाब आने के बाद 28 अप्रैल को होगी सुनवाई। कोरोना महामारी को देखते हुए RLSP उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गरीब बच्चों को पढ़ाई करवाई।